हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर ने बुधवार को मंडी जिला के पद्धर उपमंडल के कोटरूपी गांव का दौरा किया और यहां पर हुई त्रासदी का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन के साथ घटनास्थल पर जाकर चल रहे राहत कार्य को भी जाना। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तरुण श्रीधर ने बताया कि राज्य सरकार कोटरूपी गांव के प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि यहां पर जो त्रासदी हुई है वह भयानक है और प्रभावितों को सरकार हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि गांव में पहाड़ी क्यों दरकी, इसके लिए जियोलॉजी विभाग की टीम यहां आ गई है और इस बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है कि पहाड़ी दरकने के पीछे क्या कारण रहा। किस तरह का, तो क्या बताऊं मैं, आपने देख ही लिया कितनी बड़ी त्रासदी हुई है यहाँ पर और ये प्रकृति का जो कहर है, प्रकोप है, बहुत ही भयंकर रहा है। बड़ा दुखद बात है कि जो व्यक्तियों ने इनोसेंट लोगों की जान गई है इस आपदा में, सरकार की तरफ से प्रयास होगा कि उनके परिवार को यथावत सहायता जो है वो दी जाए और जो गाँव के लोग यहाँ बसते हैं जिनको आगे खतरा पैदा हो सकता है भविष्य में जिसकी आशंका है, उनका पुनर्वास अच्छे ढंग से किया जाए। सर जो सीएम साहब ने बोला था कि एक सर्वे भी यहाँ पे किया जाएगा, कर रहे हैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लोग स्टेट जियोलॉजिस्ट के कार्यालय से भी विशेषज्ञ आए हैं, पिछले दो तीन दिन से विशेषज्ञ यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। कल मुख्य सचिव महोदय ने इन सबके साथ यहाँ बैठक भी रखी है, जिन्हें हमने कहा है कि शॉर्ट टर्म में क्या उपाय किए जा सकते हैं स्थिति से निपटने के लिए और दूरगामी क्या निर्णय ऐसे लिए जा सके कि भविष्य में जो है ऐसी स्थिति यहाँ पर ना उत्पन्न हो, उसके लिए हमारे को सुझाव तो जैसा विशेषज्ञ कहेंगे वैसा ही उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी। तरुण श्रीधर ने बताया कि नेशनल हाईवे को बहाल करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी निकल रहा है जिस कारण राहत कार्यों में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि कल मुख्य सचिव मंडी में आकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और हालातों का जायजा लेंगे। नहीं, एनएच तो देखिए सड़क तो ऑफिसर ने करी दी है, पर क्योंकि अभी तक यहाँ पानी का रिसाव हो रहा है, पानी खड़ा हुआ है, तो हम इसलिए चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि यदि आप ऐसे पहाड़ देखें तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कोई भी कहे, पर अगर अचानक ये फट के 200 में हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी जो है पानी का रिसाव चारों तरफ से हो रहा है, सड़क तो तैयार है, परंतु अभी जब तक पानी का रिसाव हो रहा है और जब तक हमें ये संतुष्टि नहीं हो जाती कि आगे पानी का रिसाव नहीं होगा, सड़क धंसने के चांस नहीं है, उसके बाद ही खोलेंगे। अभी तो वैकल्पिक रूट जो है वो चले हुए, किसी को ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, 15-20 मिनट ज़रा फालतू चलो। जैसे दिन में यात्रियों के यहाँ के लिए आने जाने के लिए बड़ी असुविधा हो रही है, कहीं गांव में से नीचे जाना पड़ता है, नीचे बहुत पानी जैसा या कीचड़ जैसा हो गया है, नाले से क्लोज करने के लिए, इसके लिए तो सभी उपाय किए जाए, सभी उपाय किए, इसलिए जो है वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए शिमला से विशेष तौर पर आया हूँ, डीसी साहब यहाँ, एसपी साहब यहाँ, सभी उच्च अधिकारी यहाँ, जैसे मैंने कहा मुख्य सचिव महोदय आ रहे हैं, वो बैठक लेके जो भी शॉर्ट टर्म में उपाय करने हैं वो किए जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म का है वो। बता दें कि इस भीषण भूस्खलन में अभी तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है और एक अभी भी लापता है। 45 शवों की शिनाख्त कर ली गई है जिसमें 13 शव यूपी के लोगों के मिले हैं। इनका अंतिम संस्कार जोगिंदरनगर में ही करवा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।